एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप बाय रूई आई होप सारे आप ठीक सो so, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आपने मेरी जो मेकअप वैनिटी वाली वीडियो थी आप लोगों ने उसको इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सो so, वैसे ही मैं आप लेके आई हूँ हेयर वैनिटी हेयर वैनिटी हमें कैसी बनानी चाहिए उसमें क्या क्या सामान रहना चाहिए उसके बारे में मैंने वैनिटी पूरी की पूरी बनाई है और प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि उसमें मैंने इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई है कि आपको एक एक चीज इतनी आपके काम की होगी आप मेरे को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलने वाले उसके बाद वीडियो शुरू करने से पहले जिस जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब टू तो माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो सारी के सारी इन्फॉर्मेशन मेरी वीडियोस के बारे में मिलती रहे क्योंकि मैं डेली कोई ना कोई वीडियो पोस्ट करती हूँ शॉर्ट्स पोस्ट करती हूँ सो so अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरा चैनल शेयर करो उनको रेकमेंड करो और मेरी वीडियोज को लाइक like करो ऐसे प्यार बनाते रहो क्योंकि मैं और भी ऐसी ऐसी मस्त सी वीडियो बनाऊंगी और आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके मेकअप करियर को स्टार्ट करने के लिए सो so, ज्यादा बकवास नहीं करते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं सो so लेट्स सो so, हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो सो so, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे हमने मेकअप की वैनिटी बनाई थी स्टेप बाय स्टेप चलते वैसे ही हम हेयर में भी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं सो so, सबसे पहले हम हेयर को हमें सबसे पहले प्रेप करना होता है प्रेप करने के लिए क्या चाहिए होता है हमें हेयर मूव सो so, क्या हुआ है सबसे पहले हम रखेंगे अपनी वैनिटी में हेयर मूव रखेंगे फिर उसके बाद रखेंगे हम हेयर सीरम कोई भी हेयर सीरम ले सकते हैं मैंने ये लिया है स्ट्रिक्स का चाहे तो आप ग्रीन कलर का स्ट्रिक्स का आता है वो भी ले सकते हैं फिर उसके बाद क्या होता है कभी कभी ब्राइट का हेयर जो होता है वो थोड़ा सा ग्रीसी होता है अगर नहीं वॉश किया हुआ तो उसके लिए एक ड्राई शैम्पू हमें कैरी करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ड्राई शैम्पू रख लिया फिर उसके बाद आते हैं हमारे इक्विपमेंट्स क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं बेसिक आजकल कर लोग कर्ल्स कराते हैं या स्ट्रेट कराते हैं यही सब कराते हैं सो so, उसके लिए जो हमारे इक्विपमेंट्स होंगे वो होगा एक बड़ा कर्लिंग मशीन जो थर्टी टू नंबर का है ये एल ट्रू मैन का है ये एक ये हो गया एक हमारा स्ट्रेटनर हो गया और इन चीज़ों को हमने कैसे फोल्ड करके रखना है इसकी वीडियो भी मैंने डाली है क्योंकि हम जब ऐसे घुमा घुमा के रखते हैं चीज़ें तो ये ख़राब हो जाती हैं लेकिन मैं भी आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ इसको हम ऐसे रख देंगे फिर उसके बाद आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो कोई भी कैरी नहीं करता और ये कैरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो है हेयर ड्रायर और छोटा वाला नहीं बड़ा वाला हेयर ड्रायर क्योंकि जब भी हम काम हमें करना होता है तो हमें बड़ा हेयर ड्रायर की नीड होती है सो so, बड़ा हेयर ड्रायर नीड कैरी करना है और सच मानो जब जब मैं ये लेके गई हूँ ना मुझे ने थैंक यू ही बोला है क्योंकि एट अ टाइम कोई छोटे वाला ड्रायर होता है वो इतनी अच्छी तरीके से सुखा नहीं पाता वालों को तो ये बहुत अमेजिंग काम करता है सो so, एक ये हमारा ड्रायर हो गया फिर उसके बाद हम रखेंगे एक कर्लिंग मशीन हमने बड़ी रखी थी एक कर्लिंग मशीन हम रखेंगे छोटी थोड़ा सा आई थिंक ट्वेंटी एट नंबर की ट्वेंटी टू नंबर की है ये छोटी कर्लिंग मशीन होगी और उसके बाद अब हम रखेंगे एक चीज और सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्योंकि वॉल्यूम आजकल बहुत कम लोगों के बालों में होता है तो हम रखेंगे एक क्रिम्पर क्रिम्पर चाहे बड़ा रखो चाहे छोटा रखो आपको करना आना चाहिए कि कैसे क्रिम्पिंग करते हैं चाहे आप छोटा रखो चाहे बड़ा रखो अगर आपको टेक्निक सही आती है ना तो कोई भी क्रिम्पर काम करता है सो so, मैंने एक क्रिम्पर भी रख लिया क्रिम्पर गर्म होता है ये सारी जो हमारी इक्विपमेंट्स होते हैं बहुत गर्म होते हैं उसके लिए हमें चाहिए ग्लव एक ग्लव भी साथ में कैरी करेंगे फिर उसके बाद ये सारा काम हो गया अब हम क्या रखेंगे इसके अंदर ऐसा सामान एक्स्ट्रा जो हमें वैनिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रबर बैंड रबर बैंड कोई भी हेडू करना उसके लिए बहुत जरूरी होता है रबर बैंड भी हमने रख लिया फिर उसके बाद हमें चाहिए होता है एक सेटिंग स्प्रे स्ट्रॉन्ग सेटिंग स्प्रे आप स्विफ्ट ले सकते हो आप टाफ्ट ले सकते हो कोई भी ले सकते हो एक ये ले लिया फिर उसके बाद एक आता है हमारा शाइन स्प्रे शाइन स्प्रे ये था शाइन स्पे ये मैंने लिया है ओसिस का है शाइन्स पे और ये सबसे बेस्ट होता है ये एक रख लिया हमने फिर उसके बाद हेयर वैक्स आ गई ये बहुत अमेजिंग होती है ये बालों को एकदम चिपका के एक जगह रखती है आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेट लुक लोगों को चाहिए होता है क्लीन लुक तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक ये रख ली पेन पेपर लेके सब कुछ लिख लो स्टेप बाय स्टेप की हमें क्या चाहिए क्योंकि ये सारा सामान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा कोई भी सामान नहीं है कि हम ये ना रखें तो हमारा काम चल जाएगा ये बहुत सारी सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फिर उसके बाद अब हम आते हैं एक जैसे कई लोगों के ग्रे हेयर की प्रॉब्लम होती है सो ये टेम्परेरी कलर जो होता है लॉरियल का हो गया आप इसमें ये क्या करना है काला कलर नहीं लेना आपने डार्क ब्राउन कलर लेना है सो एक डार्क ब्राउन कलर का लॉरियल हेयर स्प्रे रख लिया मैंने फिर उसके बाद हमने क्या रख लिया सब चीजों को चलाने के लिए सब से इंपॉर्टेंट एक चीज है जो मैं आपको बता रही हूं कि हम जब कभी जाते हैं कहीं कहीं हमें क्या होता है इकट्ठी चार चार मशीनें लगानी होती है लेकिन उनके पास सॉकेट नहीं होते सो so, एक एक्सटेंशन कॉर्ड जिस जिसपे सारी चीजें आराम से लग सके और हाई पावर वाला होना चाहिए कि चार पांच जो हमने इक्विपमेंट लगाया वो सारे के सारे कैरी कर ले तो एक एक्सटेंशन कॉर्ड ये इसके बिना तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ चाहे ये रख लो चाहे इसके साथ का को कोई रख लो एक ये रखना ही रखना है सो so, एक ये भी रख लिया फिर तो उसके बाद हमने क्या एक रखना होता है एक हमें रखना होता है एक्स्ट्रा टावल टावल किस लिए रखना होता है क्योंकि जब हम कभी जहां पे भी अपना इक्विपमेंट्स रखते हैं तो इक्विपमेंट्स रखने के लिए कोई भी जगह हमें जो प्रोवाइड करते हैं वो जगह जले ना इक्विपमेंट्स हमारे खराब ना हो और उनकी जो जगह हमें प्रोवाइड करिए चाहे वो बेड शीट हो चाहे वो उन्होंने हमें कोई टेबल दिया है कोई लकड़ी का सामान दिया है वो जले ना इसलिए क्योंकि इक्विपमेंट बहुत गर्म होते हैं सारे टूल्स तो उसके लिए एक टावल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ये आप वैनिटी में चाहे तो सबसे पहले रखो ताकि आपको याद हो ये वैनिटी में सबसे पहले हमने टावल रख दिया फिर अब हमारा सारा हेयर डू का सामान हो गया अब हमें क्या चाहिए बेसिक चीजें कोम हमारी कोम एक टेल कोम ले लो और भी वैरायटी आती है कोम्स की लेकिन मेरे को एक टेल कोम से ही सारा काम हो जाता है सो एक टेल कोम रखना है और एक नॉर्मल कोम रखना है और एक रखना है हमें जो वेट ब्रश होता है वेट ब्रश क्या होता है कि जैसे गीले बाल हो गए किसी ब्राइड के वो खोलने होते हैं डीटैंगल करने होते हैं उसके लिए हमें एक वेट ब्रश रखना होता है

एक के अंदर हमने रख लिए यू पिन यू पिन भी अलग अलग साइज की बड़ी छोटी और हमारी इनविजिबल इनविजिबल यू पिन बड़ी वाली हो गई छोटी हो गई और ये इनविजिबल हो गई ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये हो गई एक बॉक्स में ये डाली साथ में आजकल लड़कियां लड़कियाँ ओपन हेयर डू करती हैं उसके लिए ऊपर से एक्स्ट्रा पिन लगाते हैं वो बहुत ज्यादा गंदा लगता है उसके लिए एक ऐसा क्लिपर होता है ऐसा दुपट्टे में लगाना होता है इसकी वीडियो में मैं आपको डालूंगी बहुत अमेजिंग होता है इससे क्या होता है दुपट्टा बिना पिन के टिक जाता है और बहुत देर तक इसका होल्ड रहता है सो ये एक रखना बहुत जरूरी है ये पूरा कहीं से भी आपको अमेजोन से मिल जाएगा सो ये क्लिपर्स रखने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर उसके बाद हम आते हैं ये मेरा एक्स्ट्रा वाला कंपार्टमेंट है इसके अंदर मैंने सारे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स रखे होते हैं सॉरी एक्स्ट्रा जितनी भी चीजें होती हैं वो रखती हूँ जैसे कि ये हमारा सेक्शन क्लिप्स हो गई लिख लो कहीं पे एक बड़े सेक्शन क्लिप एक छोटे सेक्शन क्लिप ये हो गया हमारा फेविक्विक कोई चीज ब्राइड की टूट जाए कोई हेयर एक्सेसरी टूट जाए उसको जोड़ने के लिए एक एक एक्स्ट्रा फेविक्विक ये जुड़े की नेट क्योंकि बहुत जरूरी होती है एक जुड़े की नेट रखनी है साथ में और एक रखना हमने बड़ा वाली सुई बड़ी वाली सुई किस लिए क्योंकि मांग टीके के अंदर धागा जब डालते हैं धागे से मांग टीका लगाते हैं कई बार हम हेयर डू कर चुके होते हैं तो उसके बाद हम कैसे डालेंगे तो सुई धागे से डालते हैं सो तो ये बड़ी वाली जो सुई के साथ धागा और काले का लगा ही धागा लेना है मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी थी पहली वीडियो में कि मैंने वेनेटी में काला धागा रखा था तो मेरे पास वो काला धागा है साथ में एक गोल्डन है और ये ग्रीन है कपड़ों के लिए और एक्स्ट्रा सुइया है इसमें फिर उसके बाद क्या आती है एक सीजर सीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट ये रखना बहुत जरूरी है फिर उसके बाद आता है एक ऐसी सी माला जो मैं कैरी करती हूँ क्यों कैरी करती हूँ कभी ब्राइट की कोई एक्सेसरी टूट गई कुछ हो गया तो एटलीस्ट हमारे पास एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे कि हम उसका मतलब कि जो भी चीज टूटी हम उसको मैनेज कर सके इसी ऐसा इसी चीज ने मुझे इतना ज्यादा सेव किया था मैं आपको एक बार स्टोरी बताऊंगी इसकी अभी नहीं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और साथ में क्या करना है एक, एक एक्स्ट्रा ऐसी वायर ये वायर किस लिए मैंने कैरी करी है ये नॉर्मल किसी भी चीज से वायर निकलती है वो वायर आप रख सकते हो सॉफ्टी क्योंकि कई बार ऐसे होता है ब्राइड की ज्वेलरी टूट जाती है उसका कुंडा निकल गया कुछ हो गया या कुछ टूट गया इस इस बार मेरी बुकिंग में मुझे इसने इतनी हेल्प करी है मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी टेलिंग वीडियो में बताऊंगी कि इसने मेरी कैसे हेल्प करी है सो ये एक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ये तीनों चीजें हो गई फिर साथ में रखेंगे हम थोड़ी सी सेफ्टी पिन सेफ्टी पिन हमने रख ली है छोटे बॉक्स में एक्चुअली मेरा सामान ऑलमोस्ट मुझे रिफिल करने वाला बचा है क्योंकि मैं अभी अभी काम से आई हूँ सो so, ये मेरा रिफिल करने के लिए सेफ्टी पिन बड़ी सेफ्टी पिन छोटी सेफ्टी पिन सारी की सारी कैरी करनी है और इसको रख लेनी इसमें नहीं आता तो अलग बाहर रख लेना ये हमारा मैजिकल बॉक्स है ये हमारा मैजिकल बॉक्स हमने इसको रख लेना है साथ में फिर सबसे ज्यादा हमारे इंपॉर्टेंट क्या होती है एक आध आपने क्या करना है हेयर एक्सेसरी साथ में कैरी करनी है क्योंकि कभी कभी ब्राइड के पास एट ए टाइम हेयर एक्सेसरी अवेलेबल नहीं होती तो आपने एक आध एक्सेसरी रख लेनी है जैसे मैंने ये गोल्डन कलर की रखी क्योंकि गोल्डन हर किसी के साथ चलता है एक हेयर एक्सेसरी रख ली आपने हेयर एक्सटेंशन कैरी करने हैं कर्ल्स वाले किसी में भी लगेंगे और एक मतलब कि नॉर्मल डार्क ब्राउन कलर कैरी करना है क्योंकि ज्यादा काले बाल किसी के भी नहीं होते ऐसा कैसा कलर होता है मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ अरे यार ये तो बंद है। ये तो है देखो ऐसा सा हेयर एक्सटेंशन क्लिप्स वाला पांच क्लिप वाला हेयर एक्सटेंशन रखना है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है ये इमरजेंसी में कई क्लाइंट्स होते हैं जो नहीं कैरी करते तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको प्रोवाइड करें चाहे आप ये चार्जेबल चीजें रखो आप इसका चार्ज बाद में कर सकते हो अगर आपने उसको हेयर स्टाइल में ऐड करा हुआ है पैसे तो कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं है तो आप इसके एक्स्ट्रा चार्ज ले सकते हो ये हो गया फिर साथ में चार पांच ऐसी चीजें हैं जो हमें मेकअप की वैनिटी में रखना कंपल्सरी है जो कि मेकअप से रिलेटेड नहीं होती फिर भी हमें रखनी होती है वो हो गया ये ऐसा बैटरी ऑपरेटेड फैन ये ऐसा बैटरी ऑपरेटेड फैन रखना होता है ये रखा फिर साथ में हमारे होगी ये लाइट बैटरी वाली लाइट है बहुत अमेजिंग होती है क्योंकि इसके बिना तो कई बार हम जहाँ पे भी जाते हैं हमें ऐसी लाइट नहीं मिलती अच्छी तो आपने क्या करना है एक ऐसी सी लाइट रख लेनी है और मेक श्योर sure इसको बहुत अच्छी तरीके से बचा के रखनी है क्योंकि एक बार टूटती है तो ये खराब हो जाती है जो कि मेरे साथ एक बार हो चुका है और एक्स्ट्रा चार्जेबल वायर्स चाहे वो बैटरी की हो चाहे वो आपके बैटरी फैन की हो एक्स्ट्रा चार्जेबल वायर रखनी है और बस ये हमारी मेकअप वैनिटी रेडी हो गई है इसमें हमने ऑलमोस्ट सारा सामान रख लिया है जो हमें चाहिए और एक चीज और आप एक ऐसा स्टैंड कैरी कर सकते हो कई बार क्या होता है जब हम मेकअप आर्टिस्ट जितने भी होते हैं खुद ही शूट करते हैं खुद ही कॉन्टेंट बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है ये ऐसे एक सेल्फी स्टिक होती है ऐसे खोल के इसको आप अपनी ब्राइड के इधर उधर कहीं पे भी रख दो इसके ऊपर लाइट भी होती है सो so, कहीं पे भी रख दो अपना फोन लगा के ताकि क्या होता है कि आपका एक साइड फोन पे कंटेंट भी बनता रहता है और आपका क्या होता है कि आपका इंस्टाग्राम की काम चल जाएगा और आपका नॉर्मल काम जो आप कर रहे हो वो भी काम हो जाएगा तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे सो so, ये तो मेरा बहुत ज्यादा और ये ब्लूटूथ ऑपरेटेड होता है मेरा तो बहुत फेवरेट है मैं हर जगह जाती हूँ उसको साथ कैरी करती हूँ क्योंकि कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम में होता है कि किसी की कभी कोई कैमरा से मदद नहीं करता तो क्या होता है कि अपने आप से स्टैंड लगाया आपने और अपने आप ही शूट कर लिया और अपना इंस्टाग्राम का कॉन्टेंट निकाल लिया सो दिस इज ये मेरी सारी हेयर वैनिटी वैनिटी थी मैंने वैनिटी थी मैंने मेकअप बनाई तो मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि आप हेयर वैनिटी भी बनाओ इसकी वीडियो बनाओ सो so, मेरी येयर हेयर हेयर स्टाइल के लिए सारा सामान जो चाहिए होता है वो सब इसके अंदर है सो so, ये पूरा सामान अगर आपने रख लिया आपको कोई भी हेयर स्टाइल कैसे भी बना सकते हो सो so, पहले वाली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इसको भी और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कॉमेंट करो और मस्त मेरी वीडियो आगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक पहुंचाओ सो दैट इज़ इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय